everyone, welcome back. आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पोहे की रेसिपी. मार्केट में दो तरह के पोहे मिलते हैं, एक थिन पोहा जो बहुत ही पतला होता है, इसको अगर आप ज्यादा देर भिगोएंगे या इसमें ज्यादा पानी डालेंगे तो ये घुल जाता है. ये वाला पोहा ज्यादातर नमकीन बनाने के लिए यूज किया जाता है. दूसरा होता है थिक पोहा. लोग बाग ज्यादातर ऐसा बोलते हैं कि पोहे को भिगो कर मत रखिए, अदरवाइज वो लड्डू बन जाएगा, घुल जाएगा. लेकिन अगर आप इस थिक पोहे को 5 से 7 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे, उसके बाद आप इसका पानी निकाल देंगे और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पानी है वो ये सोक कर लेगा. लेकिन आपको ये जो प्रोसेस है वो बनाने से कम 10 मिनट पहले करनी है, ताकि जो पोहा है आपका वो सारा पानी सोक कर ले. और ये रेसिपी जो है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं या फिर कुछ हल्का नाश्ता करना चाहते हैं. तो चलिए देखते हैं हमें ये पोहा कैसे बनाना है. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. ये देखिए ये हमारा थिक पोहा है, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है. अब हम इसको वॉश करेंगे. मैं यहाँ पर इसको 2 बार वॉश करूंगी. अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे क्योंकि अगर इसमें कुछ भी गंदगी है तो वो निकल जाएगी. और अब हम इसको 5 मिनट के लिए सोक करने के लिए छोड़ देंगे. सोक करने से ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे. अगर आप इनको रख भी देंगे उसके बाद भी इनमें सॉफ्टनेस रहेगी. कई बार क्या होता है कि आप जब पोहे को बनाकर रख देते हैं कुछ देर बाद उसको देखेंगे आप तो वो थोड़ा ज्यादा ड्राई हो जाता है. तो अगर आपका आप चाहते हैं कि आपका पोहा ड्राई ना हो तो आप इसको 5 मिनट के लिए सोक करके रखें और उसके बाद इसमें जो भी एक्सेस वाटर है उसको आप ड्रेन कर दें. थोड़ा बहुत जो पानी है वो ये 5 से 10 मिनट के लिए जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये सोक कर लेगा. ये देखिए यहाँ पर मैंने सारा पानी निकाल दिया है. अब हम इस पोहे को साइड में रख देंगे. तब तक हम अपने आलू और मूंगफली जो हैं उनको फ्राई कर लेते हैं. यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है. जो कच्ची मूंगफली मिलती है मार्केट में हम उनको यूज कर रहे हैं. आप चाहें तो रोस्टेड भी मिलती है, आप रोस्टेड भी ऐड कर सकते हैं. पीनट्स को अच्छे से भून लेंगे ताकि ये कच्ची ना रहे. उसके बाद हम इनको एक पैन में निकाल लेंगे क्योंकि मूंगफली को हम लास्ट में ऐड करेंगे. अगर हमने पहले ऐड कर दिया तो हमारी जो मूंगफलियां हैं वो सॉगी हो जाएंगी. उसमें मस्टर्ड सीड डालेंगे. पोटैटोस को फ्राई करते समय आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें ताकि आपके पोटैटोस जो हैं वो जल्दी से कुक हो जाएं. यहाँ पर हमें पोटैटोस को थोड़ा सा क्रिस्पी करना है तो उसके लिए आपको 5 से 7 मिनट लगेगी. और आपके आलू जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे. और 1 टीस्पून ऑयल और डाल देते हैं ताकि हम अपने पोटैटोस को भी फ्राई कर सकें. अब हम इन पोटैटोस को कवर करके इनको कुक होने देंगे ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए. और इन बिटवीन आप 1-2 बार इसको चेक कर लें कि कहीं आपके आलू जो हैं वो नीचे से जल ना जाए. तो आप ध्यान रखें कि आपको कुक करना है बट आपको बीच बीच में देखते भी रहना है. 1/2 टीस्पून टर्मरिक. अनियन हमने पहले इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि वो बर्न हो जाती. हमें अनियन को थोड़ा सा क्रंची रखना है. अच्छे से अनियन को भी फ्राई कर लेंगे. अब मैं यहाँ पर करी लीव्स को चॉप करके डाल रही हूँ और थोड़े से ग्रीन चिलीज. कोकोनट हम इसमें ऐड करेंगे. यहाँ पर मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है. कोकोनट का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और कोकोनट टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है. 1 टीस्पून सॉल्ट. अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे. अब हम अपने बाकी मसाले भी ऐड कर देते हैं. थोड़ी सी रेड चिली, 1/2 टीस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर. मिक्स कर लेते हैं. 1/4 टीस्पून शुगर. अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटोस. टोमेटोस मैंने यहाँ पर सीडलेस लिए हैं क्योंकि सीड्स की वजह से जो हमारा पोहा है उसमें पानी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सीडलेस टोमेटोज में ले रही हूँ. अब ये देखिए हमारा पोहा कितना खिला हुआ है. अब हम इसमें पोहा ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे. 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे कुक होने देंगे. अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसके बाद हम इसमें
हाफ लेमन का जूस डालेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पीनट्स को रोस्ट किया था उनको। हाफ लेमन जूस डालने के बाद आप इसको फिर से एक बार मिक्स कर लें और गैस को बंद कर दें। और यहाँ पर अब आप इसको, आपको पोहे को कवर नहीं करना है जब तक आपका पोहा नॉर्मल टेम्परेचर पर ना आ जाए, अदरवाइज आपका जो पोहा है वो काफी सौगी हो जाएगा, घुल जाएगा। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म खिला खिला पोहा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे एंजॉय करिएगा जलेबी के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ। और मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।